आज की इस वीडियो में हम बताने वाले आपको ओपन कैमरा की टोटल सेटिंग, जितनी भी सेटिंग्स होती है सभी के बारे में। तो वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जेन्युइन कंटेंट आप सबको इस चैनल पर मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले तो हम अपना ओपन कैमरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करते ही हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फेस डिटेक्शन का, इसे हम ओपन कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने का हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम जिधर भी मूव करेंगे ये हमारे फेस को डिटेक्ट करेगा और फोकस बार बार नहीं करेगा। जैसे कि बार बार फोकस करता रहता है, ब्लर हो जाता है वीडियो और फिर से साफ हो जाता है, तो ये हमारे फेस को डिटेक्ट कर लेगा एक बार और उसके बाद से ये फेस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब ब्लर नहीं करेगा। उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन। टाइमर पर क्लिक करेंगे, आप चाहो तो इसमें टाइमर लगा सकते हो कि हमारे वीडियोज़ कितने सेकेंड्स के बाद स्टार्ट हो, जैसे 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट तक का टाइम दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे रख देते हैं 3 सेकेंड्स, इतना काफ़ी होता है। इसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पे रिपीट का ऑप्शन, तो आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो वरना इसको छोड़ देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम जाएंगे नीचे। उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ से वीडियो सेटिंग का ऑप्शन, वीडियो सेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ से इनेबल डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन, इसको हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप चाहो तो यहाँ से मैक्सिमम ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो वीडियो का, मतलब कितने सेकंड का आप वीडियो रखना चाहते हो। तो हम यहाँ से सेलेक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि हम कभी भी वीडियो लॉन्ग बनाते हैं कभी और कभी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ से मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ वीडियो, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी वीडियो का साइज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 100 MB। अगर 100 MB सेलेक्ट कर देते हो तो आपके फ़ोन से जैसे ही 100 MB का वीडियो शूट हो जाएगा उसके बाद वीडियो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। तो इसे हम रहने देते हैं क्योंकि हमें सेलेक्ट नहीं करना है, इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। उसके बाद हमें मिल जाते हैं यहाँ पे ऑप्शन रिकॉर्ड ऑडियो, इसको हम ओपन कर देंगे क्योंकि हमें ऑडियो भी रिकॉर्ड करना है। अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करना है तो इसको आप ऑफ करके रख सकते हो। उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ से ऑडियो सोर्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अगर आप चाहो तो एक्सटर्नल माइक वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें एक्सटर्नल माइक को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें नीचे जाना है, इसको आप चाहो तो ऑन कर सकते हो 4K अल्ट्रा वीडियो को। उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ से क्रिटिकल बैटरी चेक, तो यहाँ से आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ रख सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं बैक। बैक जाने के बाद हम एकदम से बैक चले जाएंगे, कैमरे पे आ जाएंगे और जैसे ही हमारी शूटिंग स्टार्ट होती है तो हमें मिल जाता है यहाँ से लॉक का ऑप्शन। हम अपने कैमरे को चालू करने के बाद यहाँ से लॉक पर क्लिक कर देंगे। इसे लॉक करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी लाइट कम या ज़्यादा होती है तो वीडियो में दिखती है, तो वो यहाँ से जो है कम ज़्यादा नहीं होगी, एक जगह पे ये लॉक हो जाएगा। तो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।